आप लोग आए दिन सुनते ही होंगे कि हमारे आसपास बदमाशियां कैसे बढ़ रही हैं। अब सीआईडी तो मदद के लिए है ही, लेकिन आप सबको अपने आप को सावधान रखने की जरूरत है। स्पेशली बच्चों को अपने कान आंख खुले रखने होंगे। जरा से भी दिखाई पड़े कि किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो हल्ला मचाओ, साथ साथ अपने आप को भी बचाओ। अपनी और अपने परिवार वालों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आप ही पे तो है। बच्चों, आप बहादुर हो, जरूर बहादुरी दिखाओ, मगर पहले अपने आप को खतरों से बचाओ। ये एपिसोड स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाया है हमने, और ये सारी कहानियां आपके लिए ही लिखी गई है। इसमें दिखाया कि बच्चे की मुसीबत में बच्चों ने कैसे सीआईडी की मदद की। तो चले फिर देखें सीआईडी का ये नया रंग बच्चों के संग। कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। ये सब हमारे नाक के नीचे से हो गया और हमें पता भी नहीं चला। हाँ सर, किसने स्वीटी को किडनैप किया, लेकिन कानों कान खबर भी नहीं होने दी। वही तो हमें स्वीटी को जल्द से जल्द ढूंढना पड़ेगा। और अभिजीत, सीआईडी के हाथों से आज तक कोई बचकर नहीं निकला है। यस सर। वेरी गुड। और अभिजीत, तुम कॉलोनी के दाएं तरफ जाओ, और दया तुम कॉलोनी के बाएं तरफ जाओ। यस सर। फ्रेडरिक्स, नाक में से उंगली निकालो। यस सर। नो सर, सॉरी सर। बंद करो तुम्हारा ये यस सर एंड नो सर। तुम पूर्वी के साथ सामने की तरफ जाओ, और हाँ, सब लोग फ्लैट का चप्पा चप्पा छान मारो। सबको पूछो कि स्वीटी नाम की कोई भी बिल्ली मिली है या नहीं, ठीक है? हर एक फ्लैट में चेक करो, सब अंकल आंटी से पूछो, ओके? यस सर, हम लोग हमारी जान की बाजी लगा देंगे, पर इस बिल्ली को जरूर ढूंढ के निकालेंगे। जल्दी फटाफट। स्वीटी, 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 मिल गया। देखो पूर्वी, मुझे स्वीटी के पैर का निशान मिल गया। वो जरूर उस तरफ गई होगी। अरे फ्रेडी सर, ये स्वीटी के पाँव के निशान नहीं, ये किसी कुत्ते के पाँव के निशान है। क्या स्वीटी, 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 म्याओ, स्वीटी, कहाँ हो तुम? स्वीटी कहाँ हो तुम? स्वीटी कहाँ हो तुम? स्वीटी, 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 चॉकलेट, स्वीटी, चॉकलेट। जय भैया, उठिए ना। जय भैया, जय भैया। ये तो मर गए। सर, आपने बड़े बड़े एनकाउंटर किए हैं सर, कई बार सर सीने पे गोलियां भी खाई हैं, तो सर जब गोली लगती है सर तो कैसा लगता है सर? गुदगुदी होती है। अरे भाई पूछो मत, बहुत ही गहरा दर्द होता है शरीर में, हाथ पैर कांपने लगते हैं, और ज्यादा देर इंसान खड़ा भी नहीं रह पाता, आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। जितने समय हम लोग यहाँ पे सीआईडी में टिके हो ना, उतने समय तुम रह जाओगे तो कभी ना कभी तो सामना हो ही जाएगा गोली से। सर, मुझे तो बचपन में दिवाली के पटाखों से डर लगता था, जब मेरी बाजू वाली बिल्डिंग के बच्चे कुल्हड़ी और बॉम्ब जलाते थे ना सर, तो मैं अलमारी में जाके छुप जाता था। पता नहीं गोलियों से सामना हो तो मेरा क्या होगा सर? तो तुम दिवाली नहीं मनाते हो? नहीं मनाता हूँ ना, मैं अनार जलाता हूँ और वो फुलझड़ी जलाता हूँ, मनाता ना दिवाली।
हेलो हेलो दया अंकल, क्या हुआ, कौन बोल रहा? अब जल्दी से सूर्य किरण अपार्टमेंट आ जाइए प्लीज, जल्दी से प्लीज। पर एक खून हो गया है। खून? और हमारा बेसमेंट मिक्की मिक हो गया है। ठीक है, तुम लोग घबराओ मत, हम लोग अभी वहाँ पहुँच रहे हैं। अच्छा, किसी को भी लाश के पास जाने मत देना, ठीक है? ठीक है दया अंकल, आप जल्दी से आ जाइए। जख्म का कोई निशान दिख नहीं रहा। यस सर, ना तो गोली मारी गई है ना चाकू, गले पर भी कोई निशान नहीं है, तो फिर ये मरा कैसे? अब ये तो डॉक्टर सालों के ही बता पाएंगे। एक काम करो, आसपास देखो कोई सुराग मिलता है क्या। मेरे बच्चे को ढूंढ दीजिए सर, मुझे कुछ हो गया ना तो मैं जी नहीं पाऊंगी। मैम प्लीज संभालिए अपने आप को, हम लोग बहुत जल्द उसे ढूंढ निकालेंगे, आपके मिकी को सही सलामत आप तक पहुंचाएंगे। प्लीज आप लोग ये बताइए कि ये जय यहाँ पे कब से रह रहा था? 2 साल से सर, कॉलेज की पढ़ाई करने आया था सर। अच्छा, और उसके परिवार वाले? वो तो सब बेंगलोर में रहते हैं सर। ओह, तो ये जय यहाँ पे अकेले रहता था। सर अजीब कहानी है इन बच्चों की। ये बच्चे बेचारे सीआईडी खेलते खेलते बिल्ली को ढूंढने गए, बिल्ली तो मिली नहीं, उल्टा इनका दोस्त मिकी खो गया। अंकल आप प्लीज मिकी को ढूंढ देंगे ना, मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। अरे बच्चों आप लोग रो मत, प्लीज आंसू पोंछो, रोते नहीं। सूरज एक काम करो, निखिल के साथ जरा बाहर नजर मारो, देखो कोई सुराग मिलता है क्या। ओके सर। सर अरे ये देखिए सर, यार निखिल मैंने सुना है कि दया सर तुम्हारे हीरो है। हाँ तो नहीं, बहुत अच्छी बात है यार, होना भी चाहिए। जानना चाहते हो कि मेरे हीरो कौन है? आओगे वही एसीपी दिग्विजय। अरे नहीं है, वो तो बदनाम हो गए। नया कौन है? मेरे हीरो हैं डीसीपी चित्रौले। अरे संभालो यार, वो उनका ये स्टाइल, उनका दिमाग और उनका वो केस सॉल्व करने का तरीका, तो बस मालूम है मैं उनका इतना बड़ा फैन हूं ना कि हमेशा उनकी एक तस्वीर अपने पर्स में लेकर ही घूमता हूँ। दिखाऊं? नहीं नहीं, उनको वही रहने दो, वो आप ही देखो। जब जब मैं उनके दर्शन साक्षात कर लेता हूँ, हफ्ते हफ्ते पर नींद नहीं आती, घबराया घबराया घूमता हूँ उनकी फोटो की तो। हाँ चिंता मत करो यार, मैं डीसीपी चित्रौले से तुम्हारे बारे में कभी कुछ नहीं कहूंगा, अब तो हम दोनों दोस्त है ना। स्टार बना वो भी चॉकलेट से, कहीं स्टार मिकी ने तो नहीं बना? अच्छा बच्चों, मिकी के पास चॉकलेट थी क्या? हाँ अंकल, उसे चॉकलेट खाने का बड़ा शौक था, उसके पॉकेट में हमेशा चॉकलेट रहती थी। इसका मतलब खूनी ने निकी को इस दरवाजे के पीछे पकड़ के रखा था जब ये बच्चे कमरे में घुसे, तभी निकी ने चुपके से चॉकलेट से ये स्टार बनाया होगा। सर कहीं मिकी इस निशान के जरिए हमें कोई सुराग तो नहीं देना चाहता? पर स्टार का मतलब क्या हो सकता है? और सर इस ग्रेफिटी का भी मतलब समझ में नहीं आया। मतलब ये देखिए, कोई अपने दरवाजे पे ऐसी ग्रेफिटी बनाता है? जय, जय से सावधान। जय को ग्रेफिटी बनाने का शौक था? जय भैया को ग्रेफिटी बनाने का बहुत शौक था, अक्सर वो ग्रेफिटी बनाते रहते थे, कभी कभी तो सोसाइटी की दीवार पर भी बना देते थे, जैसे कि सफाई रखो, पानी को मत वेस्ट करो। अंकल कल तक तो ये ग्रेफिटी थी नहीं दरवाजे पे, हमने देखा था। इसका मतलब ये ग्रेफिटी अभी अभी बनी है। सर हो सकता है जय इस ग्रेफिटी के जरिए उस खूनी को चेतावनी देना चाहता हूँ कि वो जय से बच के रहे। तारिका जी, गुड मॉर्निंग। सोनिका साहब गुड मॉर्निंग।
नारिका जी बहुत अच्छी बात हुई, आज मैंने बहुत ही अच्छा सपना देखा। और सपने में मुझे देखा? आपको कैसे पता चला? हम लोग एक गार्डन में थे ना। गार्डन? गार्डन में? पूर्वी, दोनों लोगों को एक ही सपना? न जाने ये कैसे हो गया। क्या ये प्यार है? और फिर पता नहीं कहां से बीच में सानू के साथ आ गया। अरे नहीं सर, आप बहुत खुश लग रहे थे, हवा में उड़ रहे थे। क्या कर रहा था? हवा में उड़ रहे। हवा में कैसे उड़ रहा था, हेलीकॉप्टर में था? नहीं नहीं सर, आपके पंख लगे हुए थे, लेकिन पंख थोड़े छोटे थे। मक्खी की तरह भिभिना रहे थे आप। मक्खी की तरह? एक दो तीन, गिनती गिन रहे, गुस्सा ठंडा करने के लिए सर। अरे साड़ों के साथ गुस्सा थूक दीजिए सर। छह सात, अरे कितनी गिनती गिनेंगे? 50 100? सर वापस गिनती करना सीख रहे हैं सर। इतना 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 हाथ लगा इसमें, हाथ लगा इसमें। 28 23 24 29 देखा, सूख गया। ये वैसा ही स्प्रे है अभिजीत, जैसा उस घर के बाहर बनी हुई ग्राफिटी का स्प्रे था। ये स्प्रे ठीक 30 सेकंड में सूख जाता है। और बच्चों ने तुम लोगों को बताया कि वहां पर पहले कोई ग्राफिटी नहीं थी। इसका मतलब जैसे ही जय ने स्प्रे से ग्राफिटी बनाई, उसके 30 सेकंड के अंदर अंदर वो खूनी वहां पर आया, उसने उस ग्राफिटी पर हाथ लगाया और गलती से अपना फिंगरप्रिंट वहां पर छोड़ दिया। मगर अफसोस यह है कि पुलिस में उस आदमी का कोई रिकॉर्ड नहीं है। इस जय की मौत हुई कैसे? आओ। ये जरा इसकी नाक की तरफ देखो, देख रहे हो ये निशान? जल गई है क्लोरोफॉर्म की वजह से। किसी ने एक कपड़े पर क्लोरोफॉर्म डाल करके इसे जबरदस्ती सुंघाया। सर उसी से इसकी मौत हो गई। ये इसके फेफड़ों का एक्सरे देखो, फेफड़ों में काफी कचरा फंसा हुआ है। मैंने थोड़ा सा कचरा पाइप के जरिए चूस के निकाला। क्या है इसमें? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से इसकी मौत हुई है। पर सर हमने तो सारा घर चेक किया था, घर में ऐसी कोई भी जगह नहीं थी जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड घर के अंदर आ सके। तो कहीं ना कहीं से तो गैस आई है घर के अंदर। खूनी ने पहले इस बेचारे को क्लोरोफॉर्म से बेहोश किया, फिर कार्बन डाइऑक्साइड का सिलेंडर खुला छोड़ दिया, खिड़की दरवाजे बंद कर दिए और भाग गया वहां से। भाग के जाएगा कहां सर उनके साथ? उसने खून के साथ साथ एक मासूम बच्चे को भी गायब किया है, ऐसे तो नहीं जाने देंगे उसे। सर आज मेरे खबरी ने मुझे धोखा दे दिया, मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। हाथ खड़े कर दिए? यस सर। कहता है उसे तो क्या, पूरी मार्केट में किसी को नहीं मालूम। समझ में नहीं आता बच्चे को उठाया है क्यों, ना कोई फोन है ना पैसों का डिमांड है, तो फिर क्यों उठाया बच्चे को? सर कहीं वो उसे मार ना दे। वही तो। हेलो। हाँ बोल। क्या कुछ पता नहीं चला? देख तुझे मालूम है ना मुझे इस तरह के जवाब पसंद नहीं है। हाँ खबर है, तू खबर नहीं दे सकता? कभी हमने तुझे धोखा दिया? नहीं नहीं बोल। फिर एक बच्चे को उठाया किसी ने, ये बात हवा में तोड़ी होगी। ढूंढो, पूछो आसपास, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा हूं। तुम्हारी खबरी का फोन था? हाँ सर, उसे भी अभी तक कुछ पता नहीं चला। यहां से नहीं वहां से नहीं कहीं से भी पता नहीं चल रहा है।
समझ कहीं से कुछ पता नहीं चल रहा है। चित्रोले साहब आप? हाँ कुछ पता चला? नहीं सर। ओ खबरियों को उठाया? एक एक को उठाया सर, पर कहीं से कुछ पता नहीं चल रहा है। ये तुम्हारे ये खबरें भरोसेमंद है या यो ही हमारा पैसा खाते रहते हैं? सर अभी तक तो किसी ने धोखा नहीं दिया। तो फिर आज क्या हो गया है? पर सर होता है ऐसे कभी कभी। मुझे कैसे पता चला तुम्हारे सारे खबरी फ्लॉप होने वाले? वो तो आप ही जानो। क्योंकि मैं CID की जड़ों तक में घुसा हुआ हूँ, नीचे तक, और जैसे ही मैं बाहर आता हूँ। देखिए सर, आप जब भी कभी ब्यूरो में आते हैं ना, कोई ना कोई उथल पुथल मचा कर ही जाते हैं। पता नहीं आज कौन सी आग लगा रहा है। मैं आज खबरियों का बाप लेके आया हूँ। खबरियों का बाप? हाँ, शहर के हर खबरी को जानता है ये, और सब इससे कांपते हैं। ऐसा कौन सा खबरी है जिसे हम नहीं जानते है? एक सर, इनविजिबल है क्या? ये खबरी दिखाई नहीं देता सर। ये खबरियों का बाप है? नाम बताओ अपना। प्यार से लोग मुझे ढेंचू कहते हैं। ढेंचू? ढेंचू प्यारा नाम है। ढेंचू मिस्टर दया, अभी अभी आपको एक खबरी का फोन आया था। तो उसने कहा कि वो बाहर गांव है। झूठ, एकदम झूठ। वो खबरी आपको खबर लाकर कहां से देगा? पिछले पूरे हफ्ते दारू पीकर सड़क किनारे पड़ा हुआ था, पुलिस ने उठाकर अंदर कर दिया। कल रात को ही छूट कर बाहर आया है और कहता है मैं बाहर गांव गया था। तो क्या तुम ला सकते हो मिकी की खबर? आप अपने दो ऑफिसर मुझे दीजिए, फिर देखिए ये ढेंचू क्या क्या कर सकता है। सर, फ्रेडी और पंकज। ठीक है, फ्रेडी और पंकज। फ्रेडी और पंकज? ओ नो। अरे बोल करके ब्रेक लगाना चाहिए था ना, शरीर को नुकसान पहुंच सकता है। देख मुझे लेक्चर मत सुना। ठीक है, चित्रोले साहब को बोल देना कि मैं जा रहा हूँ। थैंक यू गया। अरे अरे मेरे बाप, रुक जा। तूने कहा था ज्वाला रोड चलो, ज्वाला रोड आ गई। अरे कितनी जल्दी पहुंचा भी दिए, बड़े अच्छे ड्राइवर। मुझे ड्राइवर था? ड्राइवर को ड्राइवर नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? अरे अरे अरे, CID वालों को संयम रखना चाहिए। वो देखो, ब्लू पैंट और व्हाइट शर्ट पहने एक आदमी खड़ा है। आठ जो भाई दिख रहा है, उससे जाकर कहो कि मुझे राधा से प्यार है। क्या? अरे जल्दी जाओ वरना काम नहीं होगा। पिटवाएगा? तुम जाओ तो सही। सर मैं जाता हूँ। सर ये लीजिए।
गिल्लू? ये गिल्लू गिल्लू क्या है? सर भैजू भाई को पता होगा। सीआईडी का सारा बजट तू ही खा जाएगा। अरे कुछ काम कर, ये बता क्या है? गिल्लू? गिल्लू मुझे तो पहले ही लगा था। चलो अंजलि नगर चलो। सर मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि जय का खून हो गया। तुम्हें शक है किसी पे? किसका काम हो सकता है? सर कोई भी हो सकता है सर, उसके तो कितने सारे दुश्मन हैं। अच्छा जय के बहुत सारे दुश्मन थे? हाँ सर, वो हर समय दादागिरी दिखाया करता था और हर दूसरे के साथ लड़ा झगड़ा करने की उसकी आदत थी। फिर तो ज्यादा दोस्त भी नहीं होंगे उसके। नहीं सर, उसका नेचर ही ऐसा था कि कोई उनसे बात करनी पसंद ही नहीं करता था। सर ये रहा जय का लॉकर। इसकी चाबी किसके पास? सर डुप्लीकेट चाबी तो अशोक सर के पास रहती है, पर आज वो आए नहीं। ठीक है तुम जाओ। किताबें हैं, कुछ कपड़े, खास सामान तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। खास चीज वहाँ है सूरज। इस लॉकर पे ठीक वैसी ही ग्रैफिटी है जैसे हमने जय के घर के बाहर देखी थी। लगता है ये ग्रैफिटी भी जय ने बनाई है। हाँ पर ये लॉकर किसका है? एक्सक्यूज मी, आप हमें बता सकते हैं ये लॉकर किसका है? ये लूजर वाला रोहित का है। किसके साथ जय की सबसे ज्यादा लड़ाई होती थी? सर रोहित के साथ, हमेशा झगड़ते रहते थे आपस में। एक बार तो नौबत मारपीट तक आ गई थी सर। हाँ सर, रोहित ने तो जय को लेकर कंप्लेन भी की थी प्रिंसिपल सर से। अच्छा ये रोहित रहता कहाँ है? सर सूर्य किरण बिल्डिंग। सूर्य किरण बिल्डिंग, लेकिन इसी सोसाइटी में तो जय भी रहता था। अब तो फंस गया रोहित। अंजलि नगर भी आ गया। अब किस जानवर को कबड्डी सिखानी है? गिल्लू को। गिल्लू? सर गिल्लू जानवर है? जानवर से कम भी नहीं है। बच के रहिएगा फ्रेडरिक साहब, आइए। गिल्लू, गिल्लू, अरे डेचू भाई, अरे हाँ डेचू भाई, मैं आपका इंतजार कर रहा था। और कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया गिल्लू भाई। ये दोनों नमूने कौन? मैं बोलता हूँ। गिल्लू तमीज से बात कर। अबे ये दोनों सीआईडी के लोग हैं और अब तो मैं भी सीआईडी में भर्ती हो गया हूँ। क्या बात है, इसलिए आप उस बच्चे को ढूंढ रहे थे? हाँ तुम्हें पता है मिक्की कहाँ है? ये देखो ये है मिक्की। नहीं लेकिन कल दोपहर इसे गोपालपुर में देखा था, कुछ आदमी इसे कार में जबरदस्ती ले जा रहे थे। अरे तो तुम्हें कुछ करना चाहिए था ना, तुमने उसे बचाने की कोशिश नहीं की? साहब मैं सीआईडी थोड़ी हूँ, बचाना तो आपका काम है, मैं तो सिर्फ मदद कर सकता हूँ। अब मदद करके क्या फायदा, बच्चा तो गया ना। इसका नाम गिल्लू है। गिल्लू ये जितनी होशियारी से चोरियां करता है उतनी ही होशियारी से अपराधियों की खबर भी रखता है। चोरियां? तुम चोरो? इसने कब आप दोनों के पॉकेट मार लिए कुछ पता चला? ये रहे। क्या ढेचू भाई, आप भी ना हमें तारीफ करके शर्मिंदा कर रहे हो।
ठीक है, आप जल्दी से उस किडनैपर्स का पता बता दे, फटाफट। मेरी कमीज के नीचे। ओ, XY18246, तो ये है उन किडनैपर्स के गाड़ी का नंबर। मिक्की कहाँ? मिक्की नहीं आया। मिक्की। अरे, आप लोग रो रहे हो? रोते नहीं। आप लोग बहादुर हो ना? स्ट्रांग ब्रेव बच्चे। बच्चे रोते नहीं। अच्छा ये बताओ कि ये जय भैया और रोहित भैया ये क्या दोस्त हुआ करते थे? नहीं अंकल, दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा था। हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते थे। लड़ते थे? पर आप लोग तो आपस में नहीं लड़ते ना? नहीं दीदी, हम लोग तो गुड बॉयज है। पर रोहित भैया और जय भैया हमेशा एक दूसरे से बहस करते थे। ओ, अच्छा ये बहस किस बात को लेके होती थी? छोटी छोटी बातों पर, जैसे यहाँ पर बाइक पार्क क्यों की, कॉलेज में ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, बस इतनी सी छोटी बात पर। अच्छा सूरज, जरा इस रोहित को ले गया। पंकज सर, मैंने सूरज से कहा रोहित को लाने के लिए, तुम्हें नहीं। निखिल भैया, आप भी दया अंकल की तरह बनना चाहते हो ना? आपको कैसे पता बेटा? क्योंकि मैं दया अंकल की तरह दरवाजे तोड़ना चाहता हूँ। अरे वाह, मगर इसके लिए तो बेटा आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। दूध वूध पीते हो कि नहीं? हाँ, रोज 2 बार, सुबह और शाम। दैट्स गुड। अच्छा बच्चों, ये बताओ कि जब आप लोग बिल्ली मौसी को ढूंढ रहे थे तो आसपास रोहित भैया को देखा था क्या? हाँ अंकल, उस रात मैंने रोहित भैया को हमारी बिल्डिंग में आते हुए देखा था। तुम पूर्वी हो ना? अरे वाह पूर्वी, तुमने तो हमारी बहुत मदद कर दी। सुनो, ये लोग तुमसे कुछ सवाल पूछेंगे। सारे सवालों के जवाब देने की जरूरत नहीं है। डरना मत, मैं हूं तुम्हारे साथ। अच्छा बच्चों, आप लोग जाओ खेलो, तब तक हम रोहित भैया से बात कर लेते हैं। और सुनो, आप लोग बहादुर बच्चे हो। बहादुर बच्चे कभी रोते नहीं है। Come on, smile. Bye. हाँ तो रोहित, सीधे मुद्दे पे आते हैं। क्यों मारा जय को? सर, जय को मैंने नहीं मारा सर। झूठ मत बोल, अबे सब पता चल गया है। तेरा और जय का 32 का आंकड़ा था ना? सॉरी, 36 का आंकड़ा था। मेरे सबर का बांध टूटे इससे पहले बता दे तूने जय का मर्डर क्यों किया। बेटा तू जरा मिल मुझे बाद में, तेरा ये सीआईडी का बुखार तो मैं उतारता हूँ। जय से मेरी ऐसी कोई खास दुश्मनी थी नहीं कि मैं उसकी जान लूँ सर। हाँ, छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो हर कॉलेज में होती सर, पर उन्हें हम कॉलेज के दायरे तक ही रखते थे सर। कॉलेज में ही नहीं, यहाँ बिल्डिंग में भी अक्सर तुम दोनों के बीच तू मैं हुई है। हाँ सर हुई है, पर इसके लिए मैं जय का खून थोड़ा ना कर दूंगा सर। बल्कि मैं तो उसके सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता था सर, इसके लिए मैंने कॉलेज में भी उसके खिलाफ की शिकायत वापस ले ली थी सर। तो फिर 13 तारीख की रात को तुम अपना विंग छोड़कर यहाँ जय की बिल्डिंग में क्या करने आए थे? दरअसल घर पर मम्मी ने गाजर का हलवा बनाया था सर, तो उन्होंने बोला कि रेनू आंटी को दे के आने को। आप चाहें तो उनसे पूछ सकते हैं सर। अच्छा ये बताओ, रेनू के घर पे कितने बजे गए थे तुम? सर 9 बजे सर। और रेनू के घर से निकलने के बाद अपने घर कब गए? सर 9:15 बजे सर। और सर, जय का खून हुआ कुछ 10:30 बजे, तो फिर रोहित खून कैसे कर सकता है सर? घोड़े बेच के सो रहा है। पंकज, टोल नाके वालों ने कहा है कि गाड़ी गोपालपुरा इलाके से बाहर नहीं गई है, इसका मतलब आसपास ही कहीं होनी चाहिए। पंकज, मुंह बंद और आंखें खुली रखो, समझे? तुम डरा रहे?
नहीं सर। तो फिर आंखें छोटी रख। इतनी ठीक है सर। उधर देख गाड़ी दिखती है क्या? दिख गई। वो रही कार। फैड्रिक गाड़ी रोको। वो देखो। Come on! अरे रुक जा। कैचू, रुक जा। रुक जल्दी आओ। ये क्या? क्लोरोफॉर्म की बोतल। ये देखो रस्सी और क्लोरोफॉर्म की बोतल है। इसका मतलब किडनैपर मिक्की को इसी गाड़ी से लाए थे। मगर मिक्की कहाँ है? कहाँ गया? इन रस्सियों से मिक्की तक नहीं पहुंच सकते फेडरी साहब। हा? क्या हुआ? अबे तू हंस क्यों रहा है? हंस क्यों रहा है? रुक जा। तू भाग क्यों रहा है? भाग क्यों रहा है तू? ये क्या है? ये देखा, एरो का निशान इस तरफ है। मगर किडनैपर एरो का निशान क्यों बनाएंगे? ये निशान किडनैपर ने नहीं, बच्चे ने बनाए। और बच्चा ये बताना चाहता है कि किडनैपर बच्चे को किडनैप करके इस जंगल की तरफ लेकर गए। चल के देखते हैं। अरे रुक जा। आओ जल्दी आओ। वो देखो उस जगह पे मिक्की को रखा गया है। चलो रुको, इधर आओ। ये तुम्हारे वश की बात नहीं है। ठेचू, फ्रेडी को हल्के में मत लेना। हाँ, हल्के को हल्के में ही लेना पड़ता है। मुझे सीआईडी से दया और अभिजीत जैसे लोगों को फोन करना पड़ेगा। बैठ। संभाल के, पैरों की आवाज भी नहीं होनी चाहिए। उस बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। पंकज, पंकज सर ये देखिए सर, चश्मा मिला सर। चश्मा? ये चश्मा जरूर मिक्की का होगा। सर आप रेडी? रस्सियां। इस बेचारे मिक्की को जरूर यहां पे बांध के रखा होगा। फिर हाथ से निकल गया। हर बार यही हो रहा है।
मिकी बार बार हमारी मदद करने की कोशिश कर रहा है, हर हम उसे बचा नहीं पा रहे। चॉकलेट रणविजय लिखा है इस पर। सर ये रणविजय कहीं उस किडनैपर का तो नाम नहीं है? उसके नीचे ये SKB 403 लिखा है। रणविजय SKB 403। ये SKB 403 क्या हो सकता है? सर SK सूर्य किरण अपार्टमेंट्स। अरे हाँ yes. और ये मिकी भी तो वहीं पे रहता है। सर P403 मतलब बी विंग 403 नंबर फ्लैट। हाँ फ्रेडी, बी विंग 403 रणविजय। सर घर में इतने सारे लोग, सर कुछ प्रॉब्लम है सर। एक्सक्यूज मी, एक मिनट पीछे हटिए आप लोग, एक मिनट। माय गॉड, आने में देर हो गई हमें, इसको पलटो। बॉडी में कहीं भी कोई घाव या चोट का निशान तो है नहीं? सर कहीं इसकी भी मौत उसी जहरीली गैस से तो नहीं हुई? कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है। किसी को कुछ मालूम है कैसे हुआ ये सब? सर ये मुझसे मिलने आने वाला था कॉफी शॉप में, पर ये पहुंचा ही नहीं कि मेरा फोन भी नहीं उठा रहा था सर, और मैं यहाँ आया तो जब तुम यहाँ पे आए थे तो ये दरवाजा बंद था या खुला हुआ था? नहीं सर, दरवाजा अंदर से बंद था। मैं 15-20 मिनट तक घंटी बजाता रहा लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर मैंने पड़ोसी को बुला के दरवाजा तोड़ दिया। दरवाजा तुमने तोड़ा है? जी सर। क्यों? सर जब मैं उसको फोन कर रहा था घंटी की आवाज अंदर से आ रही थी। अच्छा सर। सर अंदर अच्छे तरीके से चेक कर लो, देखो कुछ मिलता है क्या। सर जब ये दरवाजा तोड़ा आप लोगों ने तो किसी को घर के अंदर से भागते हुए देखा क्या? नहीं सर, हमने किसी को भागते हुए नहीं देखा, लेकिन दरवाजा तोड़ने के तुरंत बाद कॉरिडोर के बगल वाले बाथरूम में से धमाके की आवाज आई। कहीं खोने ने भागने के लिए तो नहीं धमाका किया? पंकज जाके देखो इनके साथ कुछ मिलता है क्या। जी सर, आइए सर। सर अंदर कोई भी सुराग नहीं मिला, खूनी काफी चालाक है। एक मिनट, छेद कहां से बन गया? कहीं जहरीली गैस यहां से तो नहीं आई? अंदर तक जा रहा है, लगता है दूसरे फ्लैट में निकलेगा। ये सामने वाला फ्लैट किसका है? पता नहीं सर, 6 महीने से ये फ्लैट खाली पड़ा है। खाली पड़ा है? तो कोनी को जहरीली गैस छोड़ने के लिए काफी आसानी हो गई होगी। तुम्हारे हाथ को क्या हुआ है? कुछ नहीं, थोड़ा सा जल गया था। जल कैसे गया है? जब मैं इस फ्लैट में आया तो मेरा हाथ किसी चीज पे लग गया था, और बाद में देखा तो मेरा हाथ जला हुआ था। फ्लैट के अंदर तो कोई चीज ऐसी दिख नहीं रही है जिससे तुम्हारा हाथ जल जाए। कहीं ये बाथरूम वाला पटाखा तुम्हें नहीं फोड़ा? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया। सर वो बाथरूम का ड्रेन पाइप फट गया है, धमाका उसी का था सर। ड्रेन पाइप फट गया?
जिस तरीके से इसका हाथ जला है, अगर वो चीज बाथरूम के ड्रेन पाइप में डाल दी जाए तो ड्रेन पाइप तो फटेगा ही। क्या मतलब सर? सूखी बर्फ, ड्राई आइस। सर इसका मतलब इसका हाथ ड्राई आइस से जला है? हाँ पूर्वी, कमरे में ड्राई आइस थी जिससे कार्बन डाइऑक्साइड फैली, और खूनी ने वो बची हुई ड्राई आइस ठिकाने लगाने के लिए बाथरूम के ड्रेन पाइप में डाली जिससे ब्लास्ट हुआ। सर खूनी अभी भी आजाद घूम रहा है और वो बच्चा उसके कैद में है सर। बच्चा, एक मिनट, ये रणविजय और जय दोनों का खून एक तरीके से हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड से। मतलब दोनों का खून ही कोई एक ही है। अगर हम ये पता लगा लें कि रणविजय और जय के बीच में क्या रिश्ता था तो उस खूनी का भी पता चल जाएगा। सर जय और रणविजय के बीच क्या कनेक्शन है? पता चल गया। क्या कनेक्शन है? सर दोनों न्यूजीलैंड गए थे। न्यूजीलैंड क्यों? स्टूडेंट्स एक्सचेंज प्रोग्राम में, यहाँ के स्टूडेंट्स वहाँ और वहाँ के स्टूडेंट्स यहाँ। अच्छा, स्टूडेंट्स एक्सचेंज प्रोग्राम। किसने भेजा था इन बच्चों को? न्यूजीलैंड कॉलेज वालों ने उनके? नहीं सर, उनके न्यूजीलैंड जाने का खर्चा एक मिनरल नाम के आदमी ने उठाया। इसका कोई कॉलेज वगैरह है? नहीं सर, इसके एक लॉन्ड्री की दुकान है। लॉन्ड्री की दुकान है, मतलब ये मृणाल कपड़े भी धोता और बच्चों को परदेश भी भेजता है। सर, लॉन्ड्री वाले ने जय और रणविजय दोनों को न्यूजीलैंड भेजा और दोनों का खून भी हो गया। पता लगाना पड़ेगा और किन किन बच्चों को भेजा है इसने परदेश, उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। अरे ये रहा। अरे दरवाजे के नीचे से धुआं, मतलब प्रणव पे भी जहरीली गैस का हमला हो गया है। मास्क पहनो। प्रणव, माय गॉड, प्रणव, इसको क्लोरोफॉर्म दिया गया। जल्दी से गाड़ी से एंटीडोट लेके आ, मैं खिड़की दरवाजे खोलता हूँ। तुम ठीक हो? अच्छा हुआ सर आप लोग आ गए, वरना मैं बच नहीं पाता। कुछ नहीं होगा तुम्हें, इधर आ, बैठो यहाँ। सवाल कौन था वो? सर वो मकरंद। मकरंद? कौन है ये मकरंद? वो तो मालूम नहीं सर, मगर वो किसी जग्गू डोंडा के लिए काम करता है। मकरंद, जग्गू डोंडा, कौन है ये लोग? जब जब सीआईडी पर मुसीबत आती है तब तब ढेंचू खबरी को याद किया जाता है। सर ये मृणाल है, इन्होंने रणविजय और प्रणव को न्यूजीलैंड भेजा था स्टूडेंट एक्सचेंज के चक्कर में। अच्छा, तो तू है जो एक एक करके स्टूडेंट को ऊपर भेज रहा है? मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं कि स्टूडेंट एक्सचेंज होता क्या है, मैं तो बस एक दुकान चलाता हूँ। कोई तुम्हारे नाम पे गुनाह कर रहा है और तुम्हें इस बात की खबर तक नहीं? सच सर, मेरा यकीन कीजिए, इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं। झूठ, सच, सच बोल रहा है ये। देख देचू, बीच में मत बोल, समझा? जहाँ मेरा अपमान होता है मैं वहाँ नहीं रुकता। मुझे चित्रोले लेके आए हैं, वरना मैं यहाँ क्यों आने वाला था? चलता हूँ मैं। आ जा, जा निकल। अरे पंकज रोक यार इसको। ये चित्रोले साहब भी ना इस नमूने को कहां से पकड़ के लाए? अबे रुक, रुक। कहां गया? पूरा आपका। अबे। मेरे बिना पुलिस डिपार्टमेंट चल ही नहीं सकता। अच्छा देखो, चल चल इधर आ यार, ज्यादा भाव मत खा। बता क्या चक्कर है ये सब? विदेशों में स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में बच्चों को बाहर भेजकर स्मगलिंग कराई जाती है,
स्मगलिंग? हाँ, विदेशों में भारतीय मूर्तियां भेजी जाती हैं और वहां से कीमती सामान इंडिया लाया जाता है। ओह, तो पैसों के लालच में स्टूडेंट फंस जाते हैं। सर, अगर बच्चे स्मगलिंग में मदद कर रहे हैं तो उन्हें मारा क्यों जा रहा है? इसीलिए तो लोग मुझे खबरियों का राजा कहते हैं। ये टेढ़ा हो गया, चला जाऊंगा मैं। नहीं, क्या इसके पीछे क्या चक्कर है? साउथ अफ्रीका से एक हीरा आया था, वो गायब है, करोड़ों का है। अच्छा, तो ये मकरंद और जग्गू को लगता है कि वो हीरा इन स्टूडेंट्स में से किसी ने चुराया है। समझदार हो अभिजीत बाबू। अभिजीत बाबू के कंप्यूटर में बात बड़ी जल्दी फिट हो जाती है। अरे यार, सर वो मिकी इन लोगों के कब्जे में, कहीं उसे कुछ ना हो जाए। टेचो, ये मकरंद और जग्गू के फोन नंबर है तेरे पास, मोबाइल से हम उनको ट्रैक कर सकते हैं। मोबाइल से ट्रैक करने का आइडिया बहुत पुराना है, हम तो आपको सीधे अड्डे तक लेकर जाएंगे। जग्गू भाई, जग्गू भाई, जग्गू भाई, उस सीआईडी वालों ने प्रणव की जान बचा लिया, हमारा सारा प्लान चौपट हो गया। क्या बकरा है तू? हाँ जग्गू भाई, अब ना तो हम बाकी स्टूडेंट्स को मार सकेंगे और ना ही वो हीरा हमारे हाथ लगेगा। अबे तू तो पूरा का पूरा टट्टू निकला है, किसी काम का नहीं है तू। मुझे तो बोला था ना, इस अभिजीत को मत बांध के रखो, अब सीआईडी वाले आते ही होंगे, बचना है तो भाग जाओ। बच्चों, देखो बच्चों, तुम लोग यहीं पे बैठो, हम लोग मिकी को ढूंढ के आते हैं। नहीं नहीं अंकल, हमें भी आपके साथ चलना है। बच्चों जिद नहीं करते, ये पंकज है, ये साथ में रहेंगे। पंकज, बच्चों का ख्याल रखना। गोली नहीं चलाएगा, बच्चा है यहाँ। ये आवाज कहे की? तो भाई सीआईडी वाले आ गए। अरे देख क्या रहे तुम लोग, काम कर रहे तुमको। करना क्या, इसकी कहानी को खत्म कर देते हैं। बच्चे को गोली मारेगा तो बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे कि मैंने सीआईडी वालों से पंगा मोल ले लिया। तूने बच्चों से पंगा लिया है, बच्चों से। देख इसे, ये है हमारे देश के छोटे हीरो। छोटे हीरो? हाँ, अगर मिकी ने हमें चॉकलेट वाला सुराग देकर हमारी मदद नहीं की होती तो हम प्रणव को नहीं बचा पाते। मिकी, कैसा है तू? बिल्कुल फिट, हमेशा की तरह। हम तो डर ही गए थे, अगर तुझे कुछ हो जाता तो। कैसे कुछ हो जाता, दया अंकल है ना। अब बोलो, बच्चों से पंगा लोगे? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। हमें माफ कर दो प्लीज। दो दो खून किए हैं, तुम लोगों को माफी नहीं, फांसी होगी, फांसी होगी। थैंक
है सीपी अंकल, अब हम सब भी सीआईडी ऑफिसर्स हैं। बिल्कुल, तुम सभी आज से अभी से हमारे सीआईडी के छोटे हीरो। अंकल हम भी देश के दुश्मनों से लड़ेंगे और समाज से जुर्म को मिटा देंगे। अरे वाह सर, आपकी नई टीम तो बहुत बहादुर है। फिर है ना हमारे सारे बच्चे बहादुर। बच्चों, जुर्म के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना ही चाहिए। आवाज उठाना तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन एक बात कहूं, अभी जो तुम्हारी उम्र है ना, वो मन लगाकर पढ़ने की है। और अंकल, अगर हमने कोई जुर्म होते हुए देखा तो? जुर्म होते हुए देखा तो कभी चुप नहीं बैठना, जाके तुरंत कोई भी बड़ा हो, कोई भी बुजुर्ग हो अपने आसपास, उसे जाकर कहो। लेकिन कभी भी अकेले मुश्किल में नहीं पड़ना, अपने माता पिता को जाकर बताना या फिर हमें फोन करो सीआईडी को। सॉरी अंकल, अगर मैं उस दिन उस घर में अकेला नहीं जाता तो ये सब नहीं होता। कुछ नहीं हुआ, तुम तो गए थे अपनी बिल्ली को ढूंढने के लिए और तुमने हमारी भी मदद की इस केस सॉल्व करने के लिए, है ना। अब एक काम करो, अब तुम्हारे जितने सारे नन्हे दोस्त है ना, उन सबको बताओ जो मैंने अभी तुम लोगों को समझाया। ये प्यारे दोस्तों, पढ़ाई पे खूब ध्यान लगाना, जरा सा भी खतरा हो तो हल्ला मचाना, मुसीबत में अपने आप को बचाना और एसीपी अंकल से बहुत 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 प्यार करना। मैं भी तुम लोगों से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.